बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक मुद्रा क्या है। प्लास्टिक मुद्रा देखिए बच्चों, मेरे पास ये एक मास्टर कार्ड है या एक डेबिट कार्ड है। देखिए लिखा भी है डेबिट कार्ड, ठीक है बच्चों। तो डेबिट कार्ड में क्या होता है, जैसे बच्चों यह डेबिट कार्ड क्या होता है, आप बैंक जाते हैं, बैंक से एटीएम मशीन से बच्चों इसमें आप स्वैप करते हैं और अचानक से उसमें आता है बैंकिंग और आपको पिन अमाउंट आप जनरेट करते हैं, सब कुछ प्रेस करते हैं और आपका वो अमाउंट रिलीज हो जाता है और वो अमाउंट लेकर आप घर आ जाते हैं बच्चों। तो ये प्लास्टिक मुद्रा कार्ड दो प्रकार के, कितने प्रकार के बोलो, कौन कौन होते हैं? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को हम लोग एटीएम कार्ड भी कहते हैं, एटीएम कार्ड, और इसे हम लोग शॉपिंग कार्ड भी कहते हैं, शॉपिंग कार्ड, शॉपिंग कार्ड, शॉपिंग कार्ड, ठीक है, SHOPPING, शॉपिंग कार्ड, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, तो डेबिट कार्ड क्या कहते हैं, एटीएम कार्ड, और क्रेडिट कार्ड क्या कहते हैं, शॉपिंग कार्ड। बच्चों अब इन दोनों में फर्क है, फर्क समझिए। डेबिट कार्ड हम लोग 100 में से लगभग मान लीजिए 95% लोगों के पास होता है, मैक्सिमम के पास होता है डेबिट कार्ड, समझे। आई होप आपके पास भी हो बच्चों, आपके माता पिता के पास जरूर होंगे, जो भी हो। तो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, देखिए बच्चों सुनिए, ये आजकल सबके पास होता है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसका यूज बच्चों आप लोग जरूर यूज करते होंगे और यूज किए भी होंगे बच्चों। तो ये तरह का प्लास्टिक मुद्रा कार्ड होता है जिसे एटीएम में आप जाएंगे और क्या करेंगे, स्वैप करेंगे और जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो राशि, वो अमाउंट, वो रुपया आपके पास क्या आएगी, बाहर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है बच्चों, क्रेडिट कार्ड होता है कि अगर आपके पास पैसे ना हो तुरंत, ठीक है, अगर आपको कोई मोबाइल लेना हो बच्चों, मान लीजिए कोई मोबाइल है 20,000 रुपया का, ठीक है, 20,000, कितना बच्चों, 20,000, ठीक है, 20,000 रुपया, ठीक है बच्चों, और 20,000 रुपया का मोबाइल लेना है, तो सपोज डैट, सुनिए, तो सपोज डैट आपके पास पैसा नहीं हो, आपको लेना है 20,000, मान लीजिए आपके पास अकाउंट में 5,000 रुपया बच्चों, तो 2,000 रुपया आप जमा कर देंगे, बाकी के कुछ इंस्टॉलमेंट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, इंस्टॉलमेंट, ईएमआई के थ्रू बच्चों। ईएमआई मतलब होता है इजी मनी इंस्टॉलमेंट, बोलो इजी मनी इंस्टॉलमेंट। ईएमआई के थ्रू बच्चों आप महीने में 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया ईएमआई के थ्रू बच्चों करता जाएगा, ठीक है, और वो वस्तु आपके पास आ जाएगी। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा वो होती है कि आपके पास पैसा न रहते हुए भी उस वस्तु को आप खरीद पाते हैं, बट इससे घाटा भी है बच्चों। इससे घाटा क्या है सर, तो घाटा यह है कि अगर कोई वस्तु, अगर आपके पास पैसा है, कोई मोबाइल, कुछ भी वस्तु हो, तो आप इंस्टेंट 20,000 में खरीद लेंगे, बट इसमें ईएमआई के थ्रू बच्चों 2,000 रुपया एक्स्ट्रा, 3,000 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, आपको समझ, एक तरह लोन होता है, क्या होता है, लोन। अगर ऐसा ना होगा तो कंपनी को फायदा कैसे होगा, तब क्रेडिट कार्ड का फायदा, आपका भी फायदा हो गया कि आपके पास पैसा न रहते हुए भी समान वस्तु आ गया आपके पास। लेकिन कंपनी को फायदा यह हुआ कि 20,000 का सामान है वो कितना लेगी, 22,000, 23,000, उससे ज्यादा उतना नहीं सकता कि 50,000 लेगा, ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 हजार रुपये एक्स्ट्रा होता है ना फायदा के लिए, क्योंकि आपको सहूलियत नहीं रहता है, आपको 1,000 रुपये जमा करना है, आप 1,000 रुपये कोई बड़ी बड़का डील नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है, तो आपके पास आप मान लीजिए आप बाप बन गए, सपोज डैट आपके बेटा ने बोला कि पापा जी मुझे मोबाइल नहीं दोगे तो हम स्कूल बंद, स्कूल जाएंगे ही नहीं जाएंगे, आजकल का बच्चा जिद्दी, ठीक है खरीद देंगे, क्या कर देंगे, खरीद देंगे, किस कार्ड से बोलो, इस कार्ड से, शॉपिंग कार्ड से, किस कार्ड से, शॉपिंग कार्ड से आप जाएंगे अमेजन पर, जो बोलोगे ये मोबाइल तो बस चलो उस पर करके, वहां पर अलग अलग बैंक का बच्चों आता है, HDFC का, ICICI का, PNB का, पंजाब नेशनल बैंक का, SBI का, बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब एक्सेट्रा, एक्सिस बैंक का, महिंद्रा बैंक का, कोटक बैंक का बच्चों, देना बैंक, तो मतलब बहुत सारे बैंक है, बैंक की कोई कमी नहीं बच्चों, सुनिए, तो जिस बैंक में जो ऑफर होगा उस हिसाब से बच्चों आपको कटेगा, समझे। तो क्रेडिट कार्ड एक्चुअली शॉपिंग कार्ड होता है, आप इसे शॉपिंग क्या कर सकते हैं बच्चों, शॉपिंग कर सकते हैं, समझे बात, क्या कर सकते बोलो, शॉपिंग कर सकते हैं, समझे बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछे प्लास्टिक कार्ड क्या होता है, बोला प्लास्टिक कार्ड एक ऐसी कार्ड होती है, प्लास्टिक कार्ड बच्चों एक ऐसा कार्ड होता है, इस तरह से होता है प्लास्टिक कार्ड, देख लीजिए ये हमारे पास SBI क्या है, बोलो
SBI क्या है बोलो, प्लास्टिक कार्ड। देख लो यहाँ पे लिखा है मास्टर कार्ड, यहाँ पे रुपए कार्ड भी होता है, अलग कंपनी है, रुपए कार्ड भी होता है, मास्टर कार्ड भी होता है, वीजा भी होता है, अलग अलग होता है, वीजा मास्टर कार्ड रुपए कार्ड, और बच्चों सब रहते हैं डेबिट कार्ड। सर क्या होते हैं? देखिए डेबिट कार्ड में क्या निकालते हैं बच्चों? एटीएम कार्ड। डेबिट कार्ड क्या कहते हैं बोलो? जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है। एटीएम कार्ड हमारे गांव में भी होगा, है ना, तो आप जहां पर जाकर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, होगा बच्चों, कहीं ना कहीं होगा ही, होता ही रहता है अगल बगल में, आसपास गांव में नहीं तो दूसरे गांव में, अगल बगल में 5 किलोमीटर के अंदर में होगा ही, ठीक है बच्चों। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होते बोलो? इससे आप क्या कर सकते, बोलो शॉपिंग, पैसा न रहते हुए भी आप पैसा निकाल सकते हैं, समझे। इसमें कुछ सावधानी हो, जैसे बच्चों देखिए इसमें सावधानी क्या होती है, फिर समझ लो सावधानी, कि कभी भी नेवर शेयर योर 16 डिजिट, नेवर शेयर योर 16 डिजिट एटीएम कार्ड नंबर, कभी नहीं। कोई आदमी देख भी ले तो अपना मोबाइल तो कभी शेयर मत करना, अगर मोबाइल शेयर कर दिए और ये देख लिया, अब पीछे का 3 डिजिट नंबर देख लिया बच्चों, सीवीवी नंबर है 3 नंबर का, तो बच्चों मोबाइल है उसके पास, उसने फोटो खींच लिया इसका, तब तो आपको कैसी तरह, अब उसके पास मोबाइल का भी पहुंच है आपके पास, तब तो पैसा गया ही गया, पैसा जाने से कोई नहीं होता बच्चों। अगर मान लो किसने देख भी लिया, अगर उसके पास क्या नहीं है, मतलब मोबाइल नहीं है आपका, आपके मोबाइल का बच्चों ओटीपी नंबर नहीं जान पाता है, इसलिए कहते हैं ना नेवर टच अनदर मोबाइल, किसी दूसरे का मोबाइल हम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइवेसी होता है, क्या होता है प्राइवेसी। मान लीजिए इसमें नहीं चला पाता कुछ, उसका अपना कुछ फोटोज हो, या अपना कुछ डेटा हो, अपना रिलेशनशिप का फोटो हो, बॉयफ्रेंड का फोटो हो, गर्लफ्रेंड का फोटो हो, हम क्यों देखें भाई, हाँ बहुत तरह का फोटो होता है, कुछ और भी हो सकता है, तो बच्चों इन चीजों को हमें बोलिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसलिए प्रश्न प्राइवेसी नाम की दुनिया में कोई चीज होती है, समझे, और प्राइवेसी का हनन किसी का नहीं कर सकते बच्चों। देखिए तो ये डेबिट कार्ड हो गया, समझा, डेबिट कार्ड से क्या है तो बोलो ठीक, स्वचालित टेलर मशीन। और ये बच्चों क्रेडिट कार्ड क्या होता है बोलो? शॉपिंग कार्ड, जिसे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा कम नहीं भी हो तो कम अमाउंट में बच्चों आप पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे आप अभी अमेजन का ऑफर देखिए बच्चों, अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो मैंने कल ही देखा था, कई सारे ऑफर हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो बच्चों तो फ्लैट डिस्काउंट, मान लीजिए कोई माल 20,000 का हो, तो मैं देख रहा हूँ कि 1,000 रुपये तो ऐसे ही ऑफ हो जाता है, 19,000 हुआ, 19,000 में भी क्या कर लीजिए आप, EMI करवा लीजिए, क्या करवा लीजिए, EMI इजी मनी इंस्टॉलमेंट, 1,000 रुपया, जिस हिसाब से जिसको जो औकात लगे उस हिसाब से करता है, 500 रुपया 600 रुपया इस हिसाब से बच्चों करते रहता है, और आपको 8 महीना के लिए 10 महीने के लिए या जितना रुपया जिस महीने करवाएंगे उस हिसाब से आपको हो जाएगा, उतना रुपया देते रहिए, अंत में एक समय आएगा कि आप पूरा किस्त चुका देंगे, वो सामान आपके पास पूरा आ जाएगा, नहीं करेंगे तो बैंक से बार बार कॉल आएगा, अंठा दोगे 2 महीना 3 महीना उठा दोगे, हो सकता है आप पर FIR भी हो जाए, तब क्या हो जाएगा, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस केस, इसे केस कहते हैं। हाँ अगर आपने कोई अगर मान लीजिए आपको, मान लीजिए कोई भी ये है मजबूरी है, तो आप बोलिए बैंक को मुझे मजबूरी है, हम नहीं जमा करेंगे, तो बैंक और टाइम देगी। बट तुम अगर वो बैंक कॉल कर रहे हैं और तुम जान बुझ के उसके कोई रिप्लाई रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, इग्नोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इग्नोर, तो बार अंत में बच्चों बैंक को मजबूर होकर के आप पर क्या करना पड़ेगा, बोलो FIR करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, इसमें लिखा रहेगा कि ये व्यक्ति इसने इतना रुपया का मोबाइल लिया और इसने कुछ नहीं किया, ना तो बैंक का कोई जवाब दे रहा ना कुछ कर रहा है। बच्चों FIR इतना जल्दी नहीं होता है, बट FIR होगा जब आप 2-3 महीने तक उसको कुछ नहीं रिस्पॉन्ड देंगे, समझे, तब होगा, समझे बच्चों। तो क्रेडिट कार्ड अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, ध्यान दो, क्रेडिट कार्ड अच्छा भी होता है बुरा भी, अगर इसका आप यूज करें अच्छा, यूज करें तो ठीक है, और ना इसका मिस यूज करें, फ्रॉड करेंगे तो फंस जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो नेवर मिस यूज, दुरुपयोग नहीं करें बच्चों, ठीक है, समझे। तो प्लास्टिक कार्ड क्या है, यही है प्लास्टिक कार्ड, यही है समझा जी। एक होता है मुद्रा कार्ड, जो आप लोग के पास होगा ही, 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 1,000 का नोट, 2,000 का नोट, 1,000 का तो नहीं।